पाकिस्तान बहरिया का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की समुद्री हदूद में भारतीय आबदोज के दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया है। जी हां, भारत ने एक मरतबा फिर गिदर बबकू के साथ साथ एक मरतबा फिर पाकिस्तान से शिकस्त खा ली। अब ऐसा क्या हुआ है, कहां से आबदोज पकड़ी गई, ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बावक्त बाखबर रह सकें। तर्जमान पाक बहरिया के जारी बयान में बताया गया है कि भारत को फिजाई महाज के बाद समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पाक बहरिया ने गुज़िश्ता रोज अपने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और पाकिस्तान की समुद्री हदूद में उसके दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया। तर्जमान का कहना था, पाक बहरिया ने आला पेशा वाराना महारतों के साथ हरदम चुकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगा कर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि पाक बहरिया ने भारतीय अबदोज की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। तर्जमान पाक बहरिया का मजीद कहना था कि नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय अबदोज का सुराग लगाया और उसकी पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। उन्होंने बताया कि पाक बहरिया का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय अबदोज का सुराग लगा लेना भारतीय बहरिया की नाकामी है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना था कि अमन कायम रखने की हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया जो पाकिस्तान की अमन पसंदी का गुमाज है। उन्होंने कहा कि इस वाक्य से सबक हासिल करने वाले भारत को भी अमन की जानब रागब हो जाना चाहिए। तर्जमान पाक बहरिया का मजीद कहना था कि ये अहम कारनामा पाकिस्तान नेवी की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहरी सरहदों की दिफा के लिए पाक बहरिया हर लम्हा मुस्तद्द और तैयार है और किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत रखती है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान की समुद्री हदूद 12 नॉटिकल मील तक है जबकि भारतीय आबदोज पाकिस्तान के खसूसी मौशी जोन EEZ में दाखिल हुई थी जिसकी हदूद 2,90,000 मरबा किलोमीटर है। इस हदूद में दाखिल होने के लिए गैर मुल्की आबदोजों का इजाजत हासिल करना जरूरी होता है। याद रहे कि मार्च 2015 में अकवामी मुत्तहदा ने पाकिस्तान की जानिब से समुद्री हदूद में इजाफे के मुतालबे को तस्लीम कर लिया था। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल के ट्वीट के साथ भारतीय आबदोज की दरअंदाजी की कोशिश से मुतल्लिक वीडियो भी शेयर की गयी है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे कबल 18 नवंबर 2016 को पाकिस्तान बहरिया ने पाकिस्तानी समुद्री इलाके में भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाकर उसे अपनी समुद्री हदूद में दाखिल होने से रोक दिया था। तर्जमान पाक बहरिया का कहना था कि पाक बहरिया के फ्लैट यूनिट्स ने पाकिस्तान के समुद्री इलाके के जुनूब में भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया और उसकी नकल हरकत को महदूद कर दिया। बाद इसी साल दिसंबर में भारतीय बहरिया के सरबरा एडमिरल सुनील लांबा ने पाकिस्तान के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि पाक बहरिया ने गुज़िश्ता माह कराची के करीब समुद्री हदूद में भारतीय आबदोजों का सुराग लगाया था। ख्याल रहे गुज़िश्ता हफ्ते पाक फिजाइये ने भारतीय फिजाइये की जानब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दरअंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया और 2 भारतीय लड़ाका हथियारों को मार गया था जबकि 1 पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया जिसे बाद अज़ाम वतन वापस भेज दिया गया था। और ये सारे मामलात 14 फरवरी को भारत के ज़ेर तसल्लत कश्मीर के इलाके पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पुलवामा में होने वाले वाक़े के बात हो रहे हैं क्योंकि भारत ये समझता है कि उस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान है जबकि पाकिस्तान ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी है। अब इस हवाले से आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करके शेयर कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बावक्त बाखबर रह सकें।